बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की जयंती के मौके पर कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की, जिसमें उन्होंने 12 दिसंबर को गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर बड़ी संख्या में गोपीनाथ गढ़ में इकट्ठा होने की बजाय गोपीनाथ के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की, ताकि युवा गोपीनाथ मुंडे के विचारों को समझ सके। ये अपील करते हुए पंकजा का कहना था कि नमस्कार, मैं पंकजा गोपीनाथ मुंडे जो आज आपसे कुछ बातें साझा करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। आपको मेरा टॉपिक तो पता ही होगा, 12 दिसंबर आ रहा है। किसी प्रियजन के जन्मदिन को जयंती कहा जाना चाहिए, इस दुख को हम सब ने सहन लिया है। मुंडे साहब की उपस्थिति हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण थी, उनकी अनुपस्थिति हमारे लिए उतनी ही दुखद है। हम पिछले 10 सालों से उस दुख को भूलकर उन्हें याद करने का काम कर रहे हैं। मैंने गोपीनाथ गढ़ बनवाया तो मेरा मानना था कि इसका महत्व गांव-गांव तक फैल जाए। आप देखिए, किसी भी पार्टी के किसी भी विचारधारा के नेता गोपीनाथ स्मारक पर जाते हैं और मुंडे साहब को प्रणाम करते हैं। जब से गोपीनाथ गढ़ बना है, तब से हम दिल में दर्द लेकर 3 जून और 12 दिसंबर को बड़ी संख्या में इकट्ठा होते रहे हैं। इस अवसर पर हम अलग अलग सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम करते हैं। हमने विकलांगों को सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम किया, लेकिन इस साल 12 दिसंबर से गोपीनाथ मुंडे की जयंती गोपीनाथ गढ़ में मनाने की बजाय ये सोचा गया है कि गोपीनाथ गढ़ को गांव-गांव तक ले जाया जाए। मुंडे साहब की जयंती गांव-गांव तक मनाई जानी चाहिए। जिन युवा पीढ़ी ने मुंडे साहब के बारे में सुना है लेकिन देखा नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए कि मुंडे साहब क्या थे, ये उन्हें प्रेरित करेगा। मुंडे का आगे कहना था कि गोपीनाथ गढ़ प्रेरणा की नींव है, जो भी गोपीनाथ गढ़ आता है उसका स्वागत है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप गांव, बाड़ी या बस्ती जहाँ भी हो, गोपीनाथ मुंडे की जयंती मनाएं। मुंडे साहब के विचार को कायम रखने का हमारा वादा है, इसके लिए आइए अपनी एकता बनाए रखें। बता दें कि पंकजा मुंडे ने अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कार्यकर्ताओं से ये अपील की और मराठी में लिखा, एक विनम्र चुनौती, कृपया किसी भी सुझाव का स्वागत है। फिलहाल पंकजा मुंडे की ये भावुक अपील काफी सुर्खियां बटोर रही है। गौरतलब है कि गोपीनाथ मुंडे मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, जिनका साल 2014 में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।